दोस्तों आपका स्वागत है आपको की रसोई में। आप लोग कैसे आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं जल्दी करेले की भुजिया बनाने, और करेला मैं कहाँ से लूँगी, चलिए आप मेरे संग आगेगा। आज मैं करेला अपने खेतों से तोड़ूंगी, अब चलिए चलते हैं करेला तोड़ने। देखिए दोस्तों ये घिया है जिसे लौकी भी कहा जाता है। अब ये हमारे देखिए खेत में हो चुकी है, छोटी छोटी है, मतलब खाने में बहुत अच्छी इसकी सब्जी बनेगी, समझ लीजिए दोस्तों। इसकी भी मैं रेसिपी डालूंगी ज़रूर। अभी तो फिलहाल चल रहा है करेले की तरफ। तो देखिए दोस्तों कितने अच्छे अच्छे एकदम ताज़े ताज़े करेले हैं। देखिए दोस्तों ज़्यादा बड़े भी नहीं है, अभी तो ये और भी बड़ा होता तो ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगता है, इस मारे छोटे छोटे हम तोड़ लेंगे। कहीं से लड़ाई करने जा रही है क्या? अरे लग गई सर पे, ये क्या है? अरे बहुत बड़ा है ये, मतलब इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया था, देखती थी कितना लंबा होगा दोस्तों, अभी इससे ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ये अब सूखने की कटाई पे है, और ये देखिए दोस्तों ये हो चुका है खाने के लिए। और यहाँ पर हमारे देखिए कि दोस्तों काफ़ी सारे घिया मतलब हो चुके हैं खाने के लिए, समझ लीजिए। और ये मैंने करेला तोड़ लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं ताज़ा ताज़ा करेला है। अब चल रहे हैं इसको लेके घर की तरफ। देखिए दोस्तों ये करीब 3 पाव होगा मैं करेला लेके आई हूँ, ये भी खेत का है, ताज़ा ही है। और ये प्याज है करीब, ये भी 3 पाव करीब है, जितना मैंने करेला लिया है उसी हिसाब से मैंने प्याज लिया है। अब चलते हैं हम इस करेले को छील लेते हैं, क्योंकि जब ये कड़ुआ रहता है तो बच्चे नहीं खाते हैं ज़्यादातर कड़ुए के मारे, इसको हम ऐसे यहाँ से काट लेंगे। और इसका ऊपर की जो परत है थोड़ी सी हल्की हल्की ऐसे छील लेंगे हम इसको। और समझ लीजिए दोस्तों ये बिल्कुल ताज़ा ही करेला है, और मैं खेत में से ही इसको लेके आई हूँ। इसको ऐसे करके खरोच लेंगे। देखिए दोस्तों इसी तरीक़े से हम अपने सारे करेले छील लेते हैं। अजान हो रही है, रुक जा। देखिए दोस्तों इसी तरीक़े से हम जो ऊपर का जो है इसका करेले का जो छिलका है इसको ऐसे निकाल लेंगे, और इसको फेंकेंगे नहीं दोस्तों, इसको तवे पे नमक डाल के तेल डाल के अच्छा से ऐसे कुरमुर करके कुरकुरा हो जाएगा, तब इसको मतलब खा सकते हैं आराम से। और इसको भी हम इस तरीका इसको छील लेंगे ताकि इसका जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो कि कड़वापन के मारे इसे खाते नहीं हैं दोस्तों, इसी मारे इसको ऊपर से हम छील लेंगे। और इसी तरीका से हम अपना जितने करेले हम रख रखे हैं सब उसको छील लेंगे। हम इस करेले को हम पतला पतला काटेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे, क्योंकि हम इस करेले की भुजिया बनाएंगे। और इसी तरीका से हम अपने जितने करेले हमने रख रखे हैं सबको काट लेंगे। करेला काट लिया है एकदम पतला पतला, और प्याज भी मैं बारीक बारीक काट रही दोस्तों, एकदम पतला ही काटना है इसको, प्याज को मोटा नहीं काटना। और इसी साइज में हम प्याज को अपनी काट लिए सारी, आप देख सकते हैं हमने सारी प्याज काट ली है, और करेला भी हमने काट लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। देखिए दोस्तों मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, और मैं चलती हूँ अब गैस जला लेती हूँ। मैंने गैस को जला लिया है, देखिए दोस्तों मैंने गैस को जला लिया है, और कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है जब तक। देखिए देखते हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हम इसमें तेल ऐड करते हैं, सरसों का 1 चम्मच। ये सरसों का बड़ा चम्मच है, इसी से हमने सरसों का तेल ऐड कर लिया, क्योंकि हमें सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम भुजिया बना रहे हैं करेले की। देखिए दोस्तों हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे और इसको भूनेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी प्याज हल्की सी भुन चुकी है, जो हमने प्याज काटी थी अब उसको इसमें ऐड कर देते हैं। इसको भी हम डाल के भून लेंगे।
हम दोस्तों इसको ज्यादा प्याज नहीं भूले, हल्का ही इसका इसको भूनेंगे। और ये देखिए दोस्तों हमारी हल्की सी प्याज ये भुन चुकी है। अब इसमें हमने करेले काटे थे उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए दोस्तों मैंने इसमें करेला भी डाल दिया है और जो मैंने प्याज डाल रखी है, अब इन सबको अच्छे से मैं मिला लूंगी। धीरे धीरे मिलाएंगे दोस्तों, इसी तरीका से हम अपना जो सब्जियां डाल रखी हैं उसको हम मिला लेंगे। देखिए दोस्तों मैं इस तरीका से सब करेले को और प्याज को मैंने मिला लिया। ये आप देख सकते हैं ये कुछ कुछ पका पका लाल लाल नजर आ रहा है, पूरी तरह मतलब पका नहीं है, खाली इसमें लालपन आ गया क्योंकि ये मैं खेत में तोड़ के लेके आई थी दोस्तों, इसीलिए एकदम ताज़ा करेला है। और इसमें दोस्तों मैं मसाला नहीं मिलाऊंगी, ये बिना मसाले का ही मैं करेला सिंपल बनाऊंगी, सिंपल तरीके से बिल्कुल। अब इसमें नमक ऐड कर देती हूँ दोस्तों स्वाद अनुसार। अब दोस्तों मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी ऐड करती हूँ, बस इन्हीं को हल्दी और नमक को हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। ताकि हमारी हल्दी है जो करेले में अच्छे से लग जाए। सब्जी को हम धीरे धीरे ऊपर नीचे कर देंगे सब्जी को, ताकि नीचे से सब्जी हमारी ऊपर आ जाए। देखिए दोस्तों इसी तरीका से हम अपने करेले में हल्दी मिला लेंगे, हल्दी और नमक दोनों अच्छे से मिल जाएगा। देखिए दोस्तों हमने अपना हल्दी और नमक हमारा अच्छे से मिल चुका है। अब इसमें हम ढक देते हैं कम से कम 5-10 मिनट के लिए, इसको अच्छे से पकने के लिए 10 मिनट के इसको ढक देते हैं पकने के लिए। दोस्तों ढक्कन हटा देते हैं कढ़ाई पर से और इसको थोड़ा सा हल्का सा हम ऊपर नीचे मिला देते हैं। और जो गैस का फ्लेम है उसको तेज नहीं करेंगे, इसको धीरे ही धीरे पकाएंगे, धीमी ही आंच में पकाएंगे दोस्तों, ताकि हमारा जो करेला है प्याज अच्छे से पक जाए। अब इसको हम ढक देते हैं। कम से कम ये 5-10 मिनट 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, वो भी धीमी आंच में पकेगा दोस्तों। कढ़ाई का ढक्कन हटा दिया है और इन सब्जी को मैं अच्छे से मिला लूंगी, ऊपर नीचे कर लूंगी करेले को। और हाँ दोस्तों इसको करेले को मतलब 1-2 मिनट पर चलाते रहना है, ताकि हमारा करेला जो है नीचे से पकड़े ना और अच्छे से हमारा करेला पक जाए। देखिए दोस्तों इसको हमें जो करेला हमने डाल रखा है इसको 1-2 मिनट पर मतलब मिलाते रहना चाहिए, ताकि अच्छे से हमारी सब्जी पक जाए। और जो हमने करेला डाल रखा है दोस्तों, जैसे कि कढ़ाई में तो पकड़ेगा नहीं, जो दूसरी कढ़ाई होती है उसमें पकड़ लेता भी है, इसको फिर भी चलाना मतलब ऐसे ऊपर नीचे करना चाहिए, ताकि हमारा करेला नीचे से पकड़े ना। और इसको हम ढक देते हैं दोस्तों थोड़ी देर के लिए और पक जाए। देखिए दोस्तों हमारी सब्जी हो चुकी है और बहुत अच्छी हुई है, आप सब्जी देख सकते हैं पूरा तेल है इसमें, पानी नहीं, बिल्कुल पानी नहीं है, क्योंकि अगर सब्जी हमारी अच्छे से पकती नहीं, अगर हमारा करेला अच्छे से पकता नहीं है तो इसमें पानी छोड़ता है दोस्तों। देखिए आप है इसमें तेल छोड़ दिया इसने करेले ने भी। अब हम चलते हैं इसे प्लेट में निकालते हैं। देखिए दोस्तों हम इसे प्लेट में सर्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी मतलब करेले की जो भुजिया है कितनी अच्छे से बन के तैयार हुई है। और देखिए दोस्तों मेरी करेले की भुजिया मैंने बना के तैयार कर लिए दोस्तों, ये खाने में बहुत अच्छी होगी और बहुत लाजवाब, इसको बच्चे ही बड़े शौक से खाएंगे दोस्तों। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। और फिर कल दोस्तों अगली वीडियो से कल फिर मुलाकात होती है। बाय बाय।